से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चटनी कैसी लगी। मुझे बहुत पसंद है और आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप ना इसके बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। अब लगा लेते हैं मिस्सी रोटी का आटा। तो मिस्सी रोटी जनरली मतलब दाल से भी बनाई जाती है और बेसन से भी बनाई जाती है, मतलब कोई भी येलो दाल या फिर लेफ्टओवर दाल से बनाई जाती है। आज मैं बेसन से बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कप बेसन एक कप नींबू का आटा लिया है। दोनों का पोर्शन इतना ही रखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी डाली है और आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर दूध के ऊपर की जो मलाई होती है ना वो डाली। साथ ही बारीक कटा हरा धनिया, प्याज, दालचीनी पत्ती और अदरक डाल देंगे और दो छोटे चम्मच में यहाँ तेल डाल रही हूँ। अब क्या करेंगे ना कि सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे, मतलब अच्छे से दबाते हुए मिक्स करेंगे कि प्याज में से जो पानी है ना रिलीज होता है। अच्छे से जब मिक्स हो जाए ना तभी आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करें। बेसन है ना तो आप ध्यान से पानी डालिएगा क्योंकि एक बार ज़्यादा पानी हो जाता है ना फिर आटा अच्छे से नहीं लगता है। तो ये ऐसी रोटी है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि आप क्या सब्जी बनाएं या फिर घर में कोई सब्जी नहीं हो ना तो आप इस रोटी को ट्राई कीजिएगा। नॉर्मली मैं ब्रेकफास्ट में ही बनाती हूँ, लंच में बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं, कभी भी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे ये रोटी आप नॉर्मली मतलब दही के साथ या फिर अचार के साथ भी खा सकते हैं, बट जो चटनी मैंने बताई है ना उसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो रोटियाँ बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर तवा चढ़ा दिया, अच्छे से यहाँ पर तवा को गर्म करिएगा क्योंकि मैं यहाँ पर तंदूरी में से रोटी बना रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल वाली भी बना सकते हैं। लोई ले लिए मैंने, उसमें अच्छे से सूखा आटा लगा दिया है और इसकी मैं रोटियाँ बेल दे रही हूँ। ऊपर से मैंने यहाँ पर बारीक कटी हरी मिर्ची लगाई है क्योंकि इस तरह से मिर्च लगी हुई रोटी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और आपको जितना तीखा पसंद हो सो गाइस ये था मेरा ड्राइंग, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। लगा लिया है, अब क्या करेंगे, अच्छे से पानी लगाने के बाद आप इसे तवे में डाल दें रोटी को पलट। हाउ टू थोड़ा सा दबा ड्रॉ अ तवे में चिपक जाए एयरप्लेन, तवा अच्छा गर्म होना चाहिए, टी पॉट। हाँ नॉनस्टिक के तवे में ये नहीं बनेगी, मतलब नहीं चिपकेगी, आप नॉर्मल बना सकते हैं। फ्लावर आप आयरन का तवा यूज करिएगा तो रोटी बहुत ही अच्छी से ड्रॉइंग। जब रोटी एक साइड से नीचे से चिपक से मतलब पक जाए ना तो आप तवे को उल्टा करके स्ट्रॉबेरी लो फ्लेम करते हुए ना सेक ले रोटी को, कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ऊपर से बन जाए। सो गाइस ये था मेरा ड्राइंग फॉर किड्स, अ क्यूट ड्राइंग फॉर क्यूट किड्स। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, डू लाइक guys।